हैं, इकट्ठी हैं। नमस्कार, रागगिरी वीकेंड इंटरव्यू सीरीज में आप सभी का स्वागत है। और आज हमारे मेहमान हैं इस देश की कथक परंपरा के एक बहुत सशक्त परिवार से जुड़े हुए कलाकार, जिनका अपना एक बहुत बड़ा परिचय है। पहले उस परिचय पर आते हैं और फिर उसके बाद उस परिवार पर भी जाएंगे जिसका जिक्र मैंने किया। पंडित हरीश गंगानी हमारे साथ हैं। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपको भी बहुत बहुत थैंक यू और बहुत बहुत नमस्कार, शुक्रिया हिंदी में भी। तो पंडित जी, पहला सवाल तो बहुत स्वाभाविक है जो आपसे अक्सर पूछा जाता होगा। जिस परिवार की परंपरा को आप लेकर आगे बढ़े, यानी पंडित कुंदन लाल गंगानी जी की जो परंपरा है, जयपुर घराने की जो परंपरा है, उसमें मेरा सवाल थोड़ा दूसरा है। मेरा सवाल ये है कि कोई और ऑप्शन था क्या कथक सीखने के अलावा? मतलब संगीत ना सीखा जाए, इससे बचने का कोई उपाय था क्या कि मुझे नहीं सीखना, भैया लोग सीख रहे हैं, छोटे भाई सब लोग सीख रहे हैं, मैं नहीं सीखूंगा, ऐसा कोई ऑप्शन था? हाँ दादा, बहुत जबरदस्त ऑप्शन था। आप मानेंगे नहीं, मेरे पापा, हम दो छोटे, सबसे छोटे भाई थे, योगेश और मैं, योगेश भाई हैं वो, उनसे बड़ा मैं। वो ना हम दोनों को लिटरली, मैंने सबके बारे में सुना, उनको बहुत डांटते थे और बहुत डरते थे पापा से। हम दोनों को बहुत प्यार करते थे पापा ना, बहुत ज़्यादा, चाहे छोटे रहे होंगे बहुत ज़्यादा। और उन्होंने कभी आज तक, मैं याद भी नहीं अपने, क्योंकि जब हम 12 साल के थे, 12 साल के, तब तक पापा को देखा हमने अच्छे से ना, कभी उन्होंने मैं डांटा नहीं, और कब हमेशा प्यार, बहुत प्यार किया। और वो, मेरी बहुत ख्वाहिश थी कि मैं क्रिकेट खेलूं, तो उन्होंने, उनकी एक स्टूडेंट थी, आप अक्सर उनका जिक्र होता है, राजी नागपाल, एक थी भैया की पापा की स्टूडेंट, उसके फादर से बात भी कर ली कि इसको महेंद्र सिंह और रेशन सिंह बेदी की स्कूल भेज देते हैं। और उनको, मुझे बहुत शौक था क्रिकेट का, तो उन्होंने ट्राई भी किया, पर वो सडनली सब कुछ, इतना छोटी उम्र में थे और वो हुआ नहीं। पर मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं क्रिकेट खेलूं, तो वो मुझे चाहते भी थे कि ये क्रिकेट खेले, तो इसको अगर शौक है तो क्रिकेट खेलने दो उसको, तो वो ऑप्शन बना नहीं, शायद डेस्टिनी कुछ हमारी डांसरों की, कलाकारों की ऐसी है कि घूम फिर के वहीं आते हैं, हमारा स्टैंड वहीं है, जैसे कहते हैं कि ठेका जैसे बोलते हैं, वो एक ही जगह ही सब बोलों पर इकट्ठा होता है, जैसे हर सदस्य की एक जिम्मेवारी और एक अपने आप ही भगवान ने से बना दिया कि आपको घूम फिर के करना तो डांस ही है, म्यूजिक डांस ही है। नहीं तो ये कैसे ये संयोग बना? मतलब अगर आप 11 बार, मतलब या फिर इसका मतलब ये भी हुआ कि आपने उस तरह से बचपन से नहीं सीखा होगा, थोड़ा बड़े होने पे? हाँ दादा, मैंने 12 साल से डांस शुरू किया सीखना, उससे पहले कभी भी पिताजी ने ऐसे में फोर्स नहीं किया, और ना ही वो घर का माहौल था तो सुनते तो रहते थे, पर उन्होंने कभी इस तरीके से हमें वो नहीं किया, ट्रीट नहीं किया। वो तो बहुत चाहते थे कि क्रिकेट खेले या जो भी इनका मन करे, पर वो बनाने पर, मतलब उनकी ख्वाहिश थी कि अगर ये क्रिकेट खेलना चाहता है तो शुड बी, उसे खेलना चाहिए, पर वो बना ही नहीं। तो जब आपने 12 साल की उम्र में सीखना शुरू किया और आज, मतलब अगर हम उस जमाने से लेके अब आज आ जाएं, कभी ये लगता है कि नहीं यार, अगर बचपन से सीखा होता तो शायद मैं और बेहतर करता, क्या लगता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बचपन से सीखा नहीं था लेकिन देख तो रहे ही थे, तबले से लेकर घुंघरुओं की आवाज से लेकर डांस से लेकर सब कुछ, तो रोज सुबह सोना उठना तो सब उसी में था, तो ऐसा कभी लगता है क्या कि देर से सीखा, इसका कोई अफसोस, इसका कोई मलाल? नहीं, इसका ऐसा कोई मलाल या अफसोस नहीं है, क्योंकि जैसे कहना कि वो सुनना, वो देखना, क्योंकि अक्सर सभी लोग घर पे आते थे, पापा की जो सीनियर स्टूडेंट है, जैसे प्रेरणा दीदी, भैया और भी उर्मिला जी, शशि जी, वो अक्सर घर पे आते थे, और पापा अक्सर में घर पे कम सिखाना उनका वो था, उनका मेन कथा केंद्र ही था। पर जैसे जो रियाज करते थे या किसी को कुछ, जैसे हमें भी कुछ कुछ बोल ऐसे बता देते थे, तो वो उनको सुन के, जैसे छोटे बच्चा कोई कुछ बोलता है तो बड़ा प्यारा सा लगता है ना, वैसे हम दया करते कुछ बोलते थे तो उनको बड़ा ऐसे लगता था कि हंसी आती थी,
वो लिटरली हमसे बहुत जैसे जोक जोक टाइप के तंग करना, जैसे छोटे बच्चों को बड़े तंग करते हैं ना अक्सर, तो मम्मी अक्सर उनसे लड़ती थी कि मत तंग करो बच्चों को, वो हमें बहुत बहुत तंग करते थे, क्योंकि मैं ना बहुत हेल्दी था, मेरे बहुत, मैं जब बचपन में था ना, मैं थोड़ा मोटे मोटे गाल और मेरे पैर बहुत, तो वो मेरे पैर पे अक्सर छूटी पड़ते थे ऐसे करके। अच्छा हम बहुत छोटे थे तो टीवी हमारे पापा ने उस जमाने में टीवी खरीदा था ब्लैक एंड व्हाइट, तो कुछ भी आता था तो हम तो ऐसे देखते थे कि बस कुछ भी चलने दो, तो हम चुप ऐसे खोए रहते थे, वो चुपचाप आते थे और जोर से हमारे ऐसे करते थे, वो हमें गुस्सा आता था जोर से, और फिर मम्मी अच्छा कहती थी प्लीज तुम बच्चों को तंग मत करो। तो हमने पापा का एक दूसरा रूप देखा है, और जो अक्सर मैं कहता हूँ कि वो बहुत लविंग थे, और वो मैं अपने हिसाब से बोल रहा हूँ, मैं अपने, मेरे आप सब भाइयों को जानते हैं, मैं उनके ओपिनियन नहीं, मैं उनसे शेयर नहीं करता ना, मेरी उनसे इस बारे में राय भी नहीं मिलती। हमारे पापा ने कईयों को ज्ञान दिए और कईयों को गुण दिए, तो शायद कई भाइयों को ज्ञान ज्यादा दे दिया पर गुण नहीं दिए, गुण नहीं दिए। गुण का मतलब होता है कि यू हैव टू लविंग, अगर उनको देखा है तो आप ऐसे उनके बारे में अक्सर ये डिस्कस नहीं कर सकते, अरे वो तो बहुत गुस्से वाले थे, वो कहते थे जाओ कूड़ के बच्चों जाओ, ये हमने ये नहीं देखा, हमने उनको बहुत लविंग देखा है, बहुत प्यार वाले देखा है और बहुत अच्छा देखा है। तो मैं इसके बारे में, मेरा थोड़ा ओपिनियन मेरे भाइयों से भिन्न है, और मैं इसके लिए कह सकता हूँ कि किसी को ज्ञान दिया है तो किसी को गुण दिए, गुण और ज्ञान दोनों में बहुत फर्क है। गुण तो संस्कार और सब में मिल के आता है, ज्ञान आप सीखते हो कि किसी भी गुरु से, तो वो मुझे लगता है कि अलग अलग है, मेरी सोच में अलग है, मैं इसको बड़े प्यार से भी कह सकता हूँ, बड़े गुस्से से भी, क्योंकि मेरे फादर को मैंने कभी भी किसी दूसरे से भी गुस्से से बात करते हुए नहीं देखा। अक्सर जिन जिनसे भी आप मिलिए वो ये कहते हैं कि उनसे, उन जैसा इंसान नहीं था वो। और शिक्षा में तो आपको थोड़ा रहना ही पड़ता है, थोड़ा स्ट्रिक्ट थोड़ा प्यार, बिल्कुल बिल्कुल। मैं इस मामले में थोड़ा अलग सोचता। रागगिरी के जो सब्सक्राइबर्स इस इंटरव्यू को देख रहे हैं उनको बताना जरूरी है कि चूंकि अब पंडित जी के गुस्से को लेकर इतनी चर्चा हो गई, तो दरअसल एक तो ये बड़ा दुर्भाग्य है भारतीय शास्त्रीय नृत्य कलाओं का, बल्कि भारतीय शास्त्रीय कलाओं का कहना चाहिए, क्योंकि पंडित जी के जैसे कलाकार किसी एक कला में बंध के नहीं रहते, वो पूरी कला जगत के होते हैं और बहुत असमय गए। उनकी उनसे अभी बहुत कुछ हासिल करना बाकी था, उनके शिष्यों को, उनके चाहने वालों को। तो एक तो वो असमय गए, इसलिए भी थोड़ा अफसोस होता है, और दूसरा उनका गुस्सा, बहुत से लोग कहते हैं बहुत नाराज होते थे, बहुत डांटते थे। लेकिन ये बात जो अभी हरीश जी कह रहे हैं, मैं कुछ समय पहले इसी चैनल के लिए जब हम लोग प्रेरणा जी से बात कर रहे थे, तो प्रेरणा जी ने भी कहा था कि वो गुस्से में गुस्सैल थे, लेकिन उतना गुस्सा फिर अगर ना हो तो सिखाना बहुत मुश्किल होता है। और उन्होंने भी कहा था कि बहुत स्नेह उनको भी करते थे। खैर हाँ बिल्कुल, मुझे ये बताइए हरीश जी कि ये कैसे तय, मतलब जैसे परिवार में कथक की परंपरा है तो जाहिर सी बात है तबला साथ साथ चला आ रहा है, लेकिन ये कब कैसे तय हुआ कि राजेंद्र जी डांस करेंगे, फतेह भैया तबला बजाएंगे, या हरीश जी डांस करेंगे, योगेश जी तबला? इसमें पिताजी का भी कोई योगदान था, या बस ऐसा था कि जिसने जो चीज ज्यादा बेहतर की उसको वो करने दिया गया? असल में हुआ ये ऐसे हुआ, क्योंकि हम सब जितने भी चार भाई आपने नाम लिया वो तो डांस भी करते हैं और अब वो तबला बजाते हैं ना, पहले डांस करते थे, फिर मैंने योगेश के साथ बहुत प्रोग्राम किए एज ए डांस, हम लोग भैया हमारे साथ कंपोज करते थे, तो हम दोनों को साथ में रख के कुछ भी तोड़ा अपन लगाना तो दोनों साथ लगाएंगे। सडनली क्या हुआ कि वो उनका जो रुझान है ना, मुझे लगता है कि क्या होता है कि आपको कई बार जोन मिल जाता है, कंफर्टेबल जोन जिसे कहते हैं ना, तो उसमें सबसे बड़ा जो वो एडवांटेज मिला वो ये मिला कि जिन गुरु के साथ आप रहते हैं या जिन गुरु के आप अंदर में काम करते हैं उनके बहुत से स्टूडेंट डांस करते हैं और उनके साथ संगत करने वाले लोग कम होते हैं, तो जो संगत में, जो जैसे कहना कि संगत की ऑप्शन ज्यादा मिल जाते हैं, आज इसका स्टूडेंट का प्रोग्राम है तो आप चले जाओ, अब वहां से आए तो दूसरे स्टूडेंट का प्रोग्राम है तो आप चले जाओ, तो जो संगत से जो आपको जैसे कहना कि शौक सा लग जाता है कि यार प्रोग्राम तो ज्यादा हो रहे, आई थिंक संगत बढ़िया चीज है, इसको पकड़ लो,
तो उससे उस चीज से उन वो जैसे कहना चाहिए कि वो अपने आप ही उसने उन्होंने पकड़ लिया, नहीं तो हम भी तो तबला बजाना पखवाज बजाना जानते, हम तो नहीं घुस पाए इस फील्ड में। हमें लगा कि शायद डांस ही कर लेते हैं और उसी ट्रैक पे चलते हैं। इन लोगों का क्या हुआ कि तबला भी बजाते थे और डांस भी करते थे। तो डांसर का एक सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है कि अक्सर कहते हैं कि डांसर जो होता है वो डांस बजाता है, तबला नहीं बजाता। तो वो उनको इजी रहा कि वो संगीत बहुत अच्छी करते थे, तो लोगों ने उनको बहुत जल्दी जल्दी अपनाना शुरू कर दिया कि अरे ये तो छोटा सा पर बहुत अच्छा बजाता है, हमारे साथ ये बजाएगा। अरे अरे ये छोटा, जैसे आप हमारे घर में सभी छोटे बच्चों को सुनते हैं तो वो आप अक्सर क्या लगता है कि अरे क्या बढ़िया बजा रहा है। तो उस हिसाब से जब तबला बजाने लग जाते हैं तो उनको थोड़ा वो मिल जाता है कि चलो ये घर का ही चल पड़ेगा साथ में। तो वो जिस तरीके से धीरे धीरे उसको फिर वो डांस के प्रति थोड़ा सा उसका शौक या उस नहीं रह पाता, नहीं तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप ऑप्शन या उसको ले पाए। ये तो अपने आप ही जैसे कहना चाहिए जिस धारा में पानी बह रहा है उसमें बहते चले गए। अच्छा, आपने पिताजी के स्वभाव और पिताजी के स्नेह की बात की। कोई ऐसा कार्यक्रम याद आता है पंडित जी, जिसमें आपने मंच पे आप रहे हों और उनको वो दर्शक दीर्घा में रहे हों? असल में केंद्र का एक प्रोग्राम याद आता है जब हमें बहुत अकेले, तो वो बहुत मतलब क्योंकि इतना ज्यादा मेमोरी उनके साथ मेरी इस फील्ड को लेके है नहीं, पर जब प्रोग्राम देखने जाते थे कभी कभी तो वो बहुत शांति से जैसे प्रोग्राम करके अपना चुपचाप आके बैठ जाते थे। उनका ऐसा मुझे मैंने कभी भी नहीं देखा कि लोग आए फिर उनको कहें कि बहुत ही बढ़िया या ऐसा वैसा। तो हमें उतनी समझ भी नहीं होती थी उस टाइम की ऐसा क्यों है। कभी कभी हम भी अपनी लाइफ को जब बैक करके देखते हैं तो सोचते हैं कि जो था उसको चेंज कैसे किया जाए, उस टाइम ऐसा क्यों नहीं हुआ। तो मुझे लगता है कि हम उस टाइम तो बहुत छोटे थे, 12 साल का मैं जब आपको बता रहा हूँ, क्योंकि केंद्र के प्रोग्राम में एक आधी बारी भी ऐसे ले जाते थे और देख के जब चुपचाप हम भी बुद्धू जैसे बैठे रहते थे, क्योंकि इतना लय ताल की जो जो इन लोगों का लय ताल का जो कहते हैं ना भी बनावा समावेश था वो आम लोगों के बस की तो बहुत बाद में आता है। जब आप 10-15 साल इसके साथ जुड़ जाओ काम के साथ तभी इनका काम समझ में आता है कि क्या काम इनका है। इससे पहले तो हम जैसे लोगों को तो लगेगा कि मतलब जैसे लगता था कि बहुत पापा हमें बहुत लगता था कि बहुत ही ऐसे जैसे कहना शोमैन या वैसे नहीं थे, तो बहुत ही काम एंड कूल एंड अपना काम करके चुपचाप वो अपना अपने उसके आ जाते थे। अच्छा पंडित जी, आपने चूंकि क्रिकेट की बात की तो एक बहुत स्वाभाविक प्रश्न जहन में आ गया। अर्जुन तेंदुलकर जब भी मैदान में उतरते हैं, लोगों को लगता है कि सचिन तेंदुलकर के बेटे हैं। रोहन सही गावस्कर बात, जब मैदान में उतरते थे तो लोगों को लगता था सुनील गावस्कर के बेटे हैं। अब इसमें परेशानी क्या होती है कि हो सकता है अर्जुन तेंदुलकर और रोहन गावस्कर बहुत काबिल क्रिकेटर हों, लेकिन उनके पिता का नाम इतना बड़ा है कि फिर उनकी काबिलियत कभी उस लेवल पर आकी ही नहीं जा पाई। कभी आपको लगता है कि आपके साथ भी ऐसा होता है कि यार पिताजी कुंदन लाल गंगानी जी, बड़े भाई पंडित राजेंद्र गंगानी जी, उसमें क्या आप अपनी जगह बनाने में उतना कामयाब हो पाए जितना आपको लगता है कि आपके अंदर टैलेंट था? असल में ये बड़ी अच्छी सवाल है। मेरे इससे मेरे से एक दिन मेरे स्टूडेंट ने भी पूछा था। पहले तो देखिए जब भी घर में कोई फंक्शन होता है या कुछ होता है तो आप सबसे पहले किससे राय लेंगे, बड़े से ही, छोटे से राय लेके नहीं जाएंगे, बड़े से ही राय लेके आएंगे। और बड़ा फिर बहुत होनहार हो तो और सोने पे सुहागा, तो आप सबसे पहले उन्हीं को प्रेफर करेंगे हर बात हर चीज। तो मैंने उनसे कहा कि मुझे लगता है कि मैं अपने अपने आप में जैसे कहना चाहिए कि मैं बहुत काम और कूल हूँ। मुझे लगता है कि मुझे जो जानते हैं ना वो मेरे काम के बारे में जरूर जानते हैं और मुझे उसके लिए किसी प्रूफ या किसी कंपटीशन की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कभी कभी आपका कंपटीशन स्वयं आपसे ही होता है, किसी और से नहीं हो सकता। अगर किसी और से आप करेंगे ना तो खाली जलन के अलावा कुछ नहीं मिलेगा आपको। तो मुझे लगता है मेरा जो कंपटीशन है ना वो मेरे से है और मुझे मुझे लगता है मुझे अभी थोड़ी भागना है। मतलब भागना मतलब है कि मेरा मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं
गया या कुछ हो गया, मुझे लगता है कि मुझे अपने आप में बहुत अपने कॉन्फिडेंस है, और मुझे इतना कॉन्फिडेंस है कि टच वुड, मैं सॉरी ऐसे बोल रहा हूँ, कि जब भी मैं डांस करता हूँ तो मेरे चाहने वाले इतने मेरे फैन हो जाते हैं कि मैं आपको शब्द नहीं मेरे पास, और वो मुझे कहते हैं कि जो आपका डांस स्टाइल है वो एकदम अलग है, भिन्न है। तो मुझे लगता है कि मुझे अपने आप से उससे बहुत पावर मिलती है, मैं उससे बहुत संतुष्ट हूँ। मुझे कभी भी किसी से ना तो वो ईर्ष्या रहती है और ना ही कभी मैं किसी से जलता हूँ। अगर किसी को बहुत काम भी मिल रहा है तो मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, और मुझे लगता है उनसे बड़े भी हैं, और कई बार मुझे लगता है कि दे डिजर्व, क्योंकि उनसे पहले से भी काम कर रहे हैं, और जो मुझे या मेरे काम को जानते हैं, मुझे लगता है कि उनसे मिलके मुझे बहुत खुशी मिलती है। अच्छा ये बताइए कि कुछ नया करने की जो चाहत होती है किसी भी कलाकार में, वो आपको लगता है कि उसकी जरूरत है आपको, या जो इतना इतना जो खजाना है आपके पास पिताजी का और पूरा परंपरा जो है, उससे बाहर जाने की जरूरत कभी महसूस होती है, या लगता है कि नहीं इसी को अगर अच्छे से निभा लें तो शायद वही उसी एक जन्म उसी के लिए काफी है? नहीं, दोनों चीजें हैं सर इसमें ना। क्या हुआ कि जो आपके पास बहुत सॉलिड है वो इतनी जल्दी आप दे नहीं सकते, क्योंकि कहते हैं कि हर चीज गुरु भी शिष्य तलाशता है और शिष्य भी गुरु तलाशता है। तो हम कभी कभी बियॉन्ड जाते हैं, जैसे कुछ अगर कंपोज करना है तो जाते हैं, और कभी कभी जो वो बंदिश है उसी को थोड़ा मॉडिफाइड किया, थोड़ा तोड़ के अलग से उसे पेश करते हैं। पर लगता ही है कि जो पुराने बोल है ना सर, उन बोलों में ना जैसे कहते हैं कि एक रूह है, एक लाइव है, एक एक वो जिसे सुन के लगता है कि असली तो बोल ये है, असली तो म्यूजिक डांस ये है। तो जो उसमें जो रूह है ना वो नए बोलों में या नए कंपोज करने में नहीं बन पाती है, क्योंकि हर एक चीज जब बनती है तो उसमें अपने आप ही जान आ जाती है। तो मुझे लगता है कि कई बार हम अच्छा सोचते हैं, बनाते हैं, पर उस कंपैरिजन में जाते हैं तो लगता है कि अभी इसमें वो जान नहीं है जो उसमें थी, उसमें है। जैसे कोई भी पुराना बोल उठा लीजिए आप, दाते टे दाते टे दा दाते टे कड़ दा, अब जो वो है तो नया बनाएंगे कड़ दाते टे, तो इतना एक ऑटोमेटिकली उसका ऑरा बना हुआ है उन बोलों का, उन बंदिशों का, उस चलन का, उस तिहाइयों का। तो वो जो उससे उसको तोड़ना बड़ा मुश्किल है। अच्छा हरीश जी एक सवाल और बताइए, जो पंडित जी जब गए तब तक आपकी तालीम, जो मतलब तालीम तो खैर कभी भी पूरी नहीं होती, लेकिन क्या आप इतना तैयार हो चुके थे कि फिर उसके बाद सीधा आपने स्टेज संभाल लिया, या फिर कुछ रह गया था जो आपने राजेंद्र जी से सीखा हो या फिर कहीं और सीखा हो? असल में हकीकत यह है कि मैंने सारा सीखा है राजेंद्र जी से। हाँ, अच्छा मेरे जो सारे शिक्षक भैया पापा से, तो ऐसे जैसे मैंने बोला बोल बोल देते तो बोल बुलवा लेते, ये वाला बोला ऐसे धारा कर धारा कर, तो ऐसे बहुत छोटे छोटे वो ना, उन्होंने कभी भी हमें ऐसा शुरुआत नहीं की कि डांस तुम भी डांस सीखना, तुम भी डांस करो, चलो खड़े हो जाओ, ऐसे नहीं तैयार किया। वो असल में हमारी जो जैसे जैसे कहना चाहिए कि पूरी परंपरा को जोड़ना भाइयों की, और उसे चलाने का जो सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है वो तो हमारी माँ को जाता है। उन्होंने बहुत हमें संस्कार दिए कि भाइयों की इज्जत करो, भाइयों के सामने कभी नहीं बोलना, भाइयों के जो भी आपको कुछ वो उनके संस्कार बहुत हमें मिले। जैसे मम्मी ने हमें बहुत ही एज अ डिसिप्लिन बनाया, क्योंकि पापा जल्दी चले गए थे, सब छोटे छोटे थे, तो मम्मी ने कहा कि भैया को कि भैया तुम उसको डांस सीखो, मम्मी मम्मी के कहने पे फिर मम्मी ने भेजा हमें ना डांस सीखने के लिए। फिर ऐसे लग गया कि शायद यही डेस्टिनी है जिस पे चलना है। क्रिकेट क्रिकेट खेलता था मैं तब भी, पर वो डांस सीखने में शुरू कर दिया फिर साथ साथ में, फिर क्रिकेट जाता गया, छूटता गया, और डांस, क्योंकि तो वो तो फिर ऐसे लग रहा आपका आप मस्ती के लिए खेल रहे हैं, प्रोफेशनली तो खेल नहीं पा रहे, मस्ती के लिए जैसे खेल लिया। फिर 12 12 घंटे क्रिकेट खेलता था मैं, और आप मानेंगे नहीं मुझे पतंग उड़ाने का बहुत शौक था, तो अक्सर मेरी मम्मी मुझे बहुत डांटती रहती थी, मैं पूरे
मैं इसे लेके अगस्त तक पतंग उड़ाता था और एकदम मेरा फेस काला हो जाता था। और मम्मी बहुत डांटती थी कि मतलब डांटना उनका प्यार की शक्ल से कैसी हो रही, काला हो रहा तो एकदम पता नहीं लगता था। मैं पतंग उड़ानी बचपन में ना बहुत शौक था। तो फिर जब ये सब शौक जब आपके ऐसे कुछ मिसहैपन हो जाता है, जैसे मेरे पिताजी का हो गया कि सडनली गुजर गए, तो वो जो आपके शौक और आपके जो कहते हैं ना कि आदतें सब छोड़नी पड़ती, भूलना पड़ता है, क्योंकि एक भाइयों की भी जिम्मेवारी हो गई, भाई अभी सब चलाना है और इनको सबको बनाना है, सिखाना है, बनेंगे तो बाद में पहले सिखाना है। तो वो सब चीज छूटती गई और डांस अपने आप ही आता गया, करते गए, सीखते गए। तो बड़ी अच्छी बात बताता हूँ, आपने पूछा था ना कि भाइयों में अलग अलग क्यों है, कोई तबला हो जाता है, कोई डांस करता है। तो जब मैं डांस सीखना शुरू किया तो सब कहते थे कि मेरी जो पर्सनैलिटी ना बहुत ही अच्छी है, मुझे नहीं पता कैसी बनना जाता है। अच्छा तो मेरा भाई अक्सर कहता था, एक तो ये ना ये खड़ा जब हो जाता है ना तो मुझे बड़ा गुस्सा आता है योगेश। अच्छा, हमारे जमाने में ना दुर्गा लाल जी बड़े फेमस नृत्यकार हुआ करते थे हमारे, हमने हमने उनको बहुत देखा है, बहुत ज्यादा देखा है। तो कभी कभी आप बड़े इंस्पायर हो जाते हैं डांसरों से ना, तो कभी कभी मैं उनकी कॉपी करता था डांस में ना अपने। तो वो ना अक्सर डांस करते करते तो धा ऐसे बोलते थे, मतलब दान 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 दा। तो मैं भी मुझे भी आदत पड़ गई। तो वो कहता था, एक तो भैया ये ना डांस करते हुए बोलता बहुत है और इसकी वजह से, तो वो इसकी कुछ कुछ बातें ना मुझे अब जब आपने बात की तो उसकी याद आ गई। तो वो अक्सर कहता था कि एक तो बोलता बहुत है भैया, पता नहीं क्या डांस पढ़न करने लग जाता है डांस करते करते। तो कुछ कुछ ऐसी आदतें थी जो उस जमाने में बहुत ही मतलब पता नहीं होता है कि जब आप कुछ और बड़े हो जाते तो आप अपनी उस बातों को सोचते तो बड़ी हंसी भी आती है और लगता है कि अच्छा ऐसा भी हुआ था, ऐसे भी करते थे। नहीं, जिस संस्कार का आप जिक्र कर रहे हैं वो संस्कार तो मैंने कई बार देखे हैं। जब आप लोग राजेंद्र जी के कार्यक्रम में आते हैं या मंडी हाउस पे कभी आमना सामना हो जाता है तो वो दिखता है कि किस तरह से उनका सम्मान है और उनकी सहजता और उनकी उनकी सहजता का भी काफी हिस्सा आप सारे भाइयों में है। मतलब आप मुझे सर कह रहे हैं तो मुझे बहुत खराब लग रहा है कि इतना गुणी कलाकार मुझे क्यों सर कह रहा है। और यही चीज नहीं, फतेह भैया में है, योगेश भैया में है, सबके अंदर वो सहजता तो है। मुझे एक चीज और बताइए कि पिताजी का आपने बताया कि पिताजी तो आपको उन्होंने नहीं डांटा और राजेंद्र भैया ने आपको सिखाया, तो वो डांटते वांटते थे कभी या वो भी उतने ही लिबरल रहते थे कि नहीं नहीं चलो चलो सीख लो अच्छी बात है। बहुत लिबरल, बहुत ही प्यार से, मतलब मैं तो कभी भी भैया का मुझे जैसे बहुत डियर प्यार वाला डांटना याद है, कभी गुस्से वाला तो आज तक याद नहीं। आज भी मैं उनसे मिल के आया हूँ, मुझे याद नहीं कि कभी उन्होंने मुझे गुस्से में कहा तुम क्या हो क्या कर रहे हो, ऐसे कुछ नहीं। और बहुत ही मतलब अति अति प्यार से, अति प्यार से उसकी, जैसे मुझे तो कभी कभी वो उनके सिखाने में, उनके जो नेचर में है वो हमारे नेचर में और सिखाने में भी है। वो अक्सर सभी लोग कहते हैं कि आप लोग गुस्सा नहीं करते हो सिखाते हैं ना, तो गुस्सा तब आता है जब वो चीज किसी को समझ में आए। पहले तो देखिए, आप किसी को जब सिखा रहे हैं तो पहले सीखने वाले को तो वो चीज समझनी चाहिए कि क्या इसका वैल्यू है, क्या मूल है। और उसको झट समझ में नहीं आया, उसको वैल्यू नहीं पता और आप डांटना शुरू कर दोगे तो मुझे लगता है कि वो उसके साथ नाइंसाफी है ना। तो मुझे लगता है कि हम इसलिए कभी कभी जब मैं सिखाता हूँ तो मुझे बड़ा मजा आता है कि जो चीज हमें आती है, जो चीज हमें समझ में आ रही है उसे हम ऐसे पकड़ लेते हैं, और जो जिसको नहीं आता समझ में उसके हाथ से ऐसे छूटती हुई नजर आती है मैंने, ऐसे वो पकड़ने की कोशिश कर रहा पर पकड़ नहीं पा रहा, और हमें लगता है कि अरे इतनी आसान है क्यों नहीं पकड़ पा रहा, ये तो धा तक देखे टिका तक देखे निधा 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 निधा, और धा तक देखे टिका तक देखे निधा ने दान में अटक जाता है। तो लगता है कि कितनी आसानी से हम उसको पकड़ पाते हैं। तो वो सहजता मुझे लगता है मैं वो भैया से ही प्राप्त हुई, वो बहुत ही मतलब बहुत प्यार से उन्होंने सिखाया।
एक बारी का एक किस्सा सुनाता हूँ आपको, बड़ा ही मजेदार उनके डांटकार प्यार का। एक हमारे पापा की स्टूडेंट थी, तो बाद में भैया से सीखने आती थी फील्ड हॉकी, मंडी हाउस की बात है ना, आपने मंडी हाउस का गत्था केंद्र देखा है ना, बिल्कुल देखा है तो उसमें जो छोटे छोटे दो राउंड शेप में लॉन बने हुए, एक उधर एक उधर, तो जी जी एक दिन वो स्टूडेंट आई और उसने अपनी गाड़ी खड़ी कर दी, अपनी गाड़ी खड़ी की और ड्राइवर बैठा था। तो मुझे लगा मैं गाड़ी चलाना, मुझे गाड़ी चलानी चाहिए, मैं उसकी गाड़ी में बैठ गया और उसकी गाड़ी स्टार्ट कर दी और ड्राइवर भी साथ में बैठा हुआ। उसने मुझे समझा रहा, ऐसे गियर लगाना है, ऐसे ये करना है, तो मैंने कहा अच्छा, मैंने ऐसे किया और गाड़ी चलने लग गई। भैया अंदर उस लेडी को सिखा रहे हैं, गाड़ी चल रही है और गाड़ी चल खा रही है पार्क में, पूरे लॉन वाले पार्क में चल रही है, और सामने जो वॉल है ना, सीसीआरटी का था पहले ऑफिस, और वहां पे अब तो उस वॉल से जाके जोर से टकराए धम। मैं अंदर से कपकपाने लगा और ड्राइवर भी अंदर से, क्योंकि ड्राइवर लगेगा मैडम उसको डांटने की, और मुझे लगा भैया, वो इतनी जोर से धम लगा कि वहां सामने पहले उनकी गिलास थी राष्ट्रपति जी की, कृष्णमन भाई की लाइफ थी ना वहां की, तो उसने गाड़ी को जल्दी से ब्रेक किया, किसी को लगी नहीं, भगवान का शुक्र है, और वापस उस जगह पे खड़ा कर दिया। इतने में सब लोगों को पता लगे कि इतनी जोर से आवाज बची, तो वो आए और आके भैया मुझे देख रहे हैं। अब वो लेडी कह रही, कोई बात नहीं भैया, कोई बात नहीं, आओ भैया मुझे ऐसे देख रहे हैं, कुछ नहीं, तो इतना मतलब प्यार मतलब नहीं तो चाहते थे, क्योंकि हमें तो याद नहीं है कभी भी कि उन्होंने हमें बहुत डांटा, कभी भी डांटा नहीं। और वो जैसे तो शायद हो सकता है कि उनको लगता होगा कि मेरा जो फर्ज है वो शायद पापा के पास ज्यादा बढ़ जाता है, तो अपनापन दे देता है, तो उस तरीके से वैसे मैं सुनता भी नहीं हूँ किसी को भैया ऐसे गुस्से से डांटते हैं, या वो एक अलग बात है, कूड़ कूड़ पड़ने की बातें कर रहे हो ऐसे। अभी कुछ भैया कभी कभी गुस्सा हो जाते हैं तो हम चुपचाप बड़े रहते हैं, बड़ा मजा आता है डांट उनकी सुन के ना, पर कभी भी ऐसे चीज ना, तो ना डांस सिखाते हुए डांटा ना, जैसे अभी आपको किस्सा बताया कि उस लॉन में गाड़ी चल रही है मेरी, लॉन में चलती चलती सीधी धाड़, तो फिर भी भैया ने कहा कि अब वो लेडी कह रही है कोई बात नहीं भैया, कोई बात नहीं, वो ड्राइवर बेचारा। तो ये किस्से मतलब इतना प्यार। पंडित जी, आखिरी सवाल मुझे ये बताइए कि हमने बहुत सारे पिताजी के भी किस्से शेयर कर लिए, राजेंद्र जी की भी बात हो गई, आप जब कोई डांस आप कोरियोग्राफ कर रहे होते हैं, जिसमें आप डांस कर रहे हैं या आपके शिष्य डांस कर रहे हैं, कौन सी दो तीन चीजें आप बहुत ध्यान रखते हैं कि मुझे ये पॉइंट, ये एक मेरा विषय क्या होगा, या पॉइंट 2 उसमें मेरा संयोजन क्या होगा, कौन सी चीजों पर सबसे ज्यादा फोकस करते हैं? असल में जब मैं खुद अपने कंपोज करता हूँ ग्रुप के लिए भी, उसलिए तो मुझे लगता है कि जो मैं जिस तरीके से उस डांस को कंपोज करूँ या बनाऊँ, वो मेरा सामने वाले तक जाना जरूरी चाहिए, उसके बोल ऐसे होने चाहिए, उसके मूवमेंट ऐसे होने चाहिए, और उसके उसकी रचना ऐसी होनी चाहिए कि वो जो दूसरों तक जाए। जैसे हमने ना क्या हुआ, एक बार ही हमारा बहुत बड़ा एक प्रोग्राम था लाल किले पे, वो होता है गणतंत्र दिवस पे, एक 6 दिन 7 दिन का फेस्टिवल चलता है, तो उसमें हमारा 7 दिन तक एक ही प्रोग्राम था, तो हमने गणेश जी का डांस कंपोज किया था। उसमें क्या होता कि सारे हमारे हिंदुस्तान के फोक डांसेस होते हैं और दो तीन क्लासिकल डांस होते हैं, तो कुछ फोक की आप जानते हैं कि कितना साउंड होता है, कितनी उनकी लाइटें होती है और कितना उनका ग्रुप कंपोजिशन होता है, तो मैं उसको सोच के मैंने गणेश जी का आइटम बनाया, और वो आप मानेंगे नहीं सर कि इतना अच्छा लगा लोगों को, क्योंकि ऐसा नहीं लगा कि फोक के बीच में कत्थक कहीं दब रहा है, तो वो पूरी कोरियोग्राफी जब हमने उसको 2 3 बारी किया, और एक जब उनके हमारे डायरेक्टर थे फुरकान सर जो अभी राइस जोन में है, वो खड़े होके मेरे पास आए और मुझे गले लगा लिया कि तुमने ना जो मेरा कमिटमेंट है ना उसको पास कर दिया, क्योंकि मैंने तुम्हें रिकमेंड किया था एज अ देखने के लिए कि तुम क्या तुम्हारा आइटम लगेगा, कैसे भी उनको अच्छा लगेगा, क्योंकि तो फोक के लिए आते हैं वहां पे सारे ना, मस्ती के लिए वहां, क्लासिकल के लिए तो आपको जैसे कहते हैं कि राजीव सिंह जी का एक बड़ा बात थी कि क्लासिकल जो है वो स्टेडियम के लिए नहीं है, क्लासिकल डांस एक थिएटर के लिए, हॉल के लिए, तो
तो उन्होंने कहा कि ये जो तुम्हारा प्रोग्राम था ये इतना ओपन में सारे जो क्राउड आते लोकल आते हैं उनको तक नहीं समझ में आता, पर तुमने अच्छा कंपोज करके मेरी बात को रख दिया। तो मुझे लगता है कि मुझे ये लगता है कि लोगों तक वो बात चली जाए तो बस आप हैप्पी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, आपने समय निकाला, और हमारी शुभकामनाएं आपको हमेशा कि आप देश में, तो आपने कुछ कार्यक्रमों का जिक्र किया ही, जिस तरह से विदेशों में आपने तमाम कार्यक्रम किए हैं और उनमें जो अपनी परंपरा को और कथक की मजबूत परंपरा के की महक को बिखेरा है, हमारी शुभकामनाएं हैं कि ये महक आप यूं ही बिखेरते रहें और अब अगली पीढ़ी में भी, क्योंकि मुझे पता है कि आप सब लोग के परिवार के बच्चे जो हैं वो कोई कथक में है, कोई पखावज में है, कोई बात तबले में है, उनमें भी वो संस्कार, वो सहजता इसी तरह से आगे बढ़े, और तभी शायद पंडित कुंदन लाल गंगानी जी का जो नाम है, उनकी जो परंपरा है, वो उतनी ही समृद्ध और उतनी ही महकती रहेगी। ये शुभकामनाएं हमारी, समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो बहुत थैंक यू सर, थैंक यू।